हाँ छत पर से कूद के आए यहाँ ये। हाँ ये रूट है भाई, जा रहा चोट लग गई अभी अभी हाँ छत से देखा जाए। क्या देखा आपने? भेड़िया भेड़िया ये था, ये पर गया था। चमक रही है, देखो क्या है। मैम यहाँ पर आइए, कुछ डाउट है मैम? आगे 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 लगा लगा ये सामने जस्ट। अब इस दहशत में मैम ये बात है कि अगर रात का दिन में तो कोई बात नहीं है, रात के समय में ऐसा होता है कि अगर कोई बिल्ली या कुत्ते भी कोई देख लेता है मैम तो वो यही कहता है कि भेड़िया आ गया है। लेटर हाँ जैसे सोए लगे तो ऐसे आएगा वह बस पकड़े समका। क्या भेड़िया बहुत ज्यादा इधर? हाँ बहुत ज्यादा है रोड, कोने कोने दिन आ जाता, परसों आ गए रहा है। केवल वन विभाग वालों की लापरवाही है, ये लोग हम लोग दावा करते हैं कि लापरवाही है, ना कोई अच्छे से पा रहा है ना कोई गोला दगता है। जब निकलेंगे तो गाड़ी लेकर रोड पे निकलेंगे, पीछे नहीं देख सकते हो क्या? किस तरह से आपको अपने को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करें? जी रात भर ऐसे ही जगते हैं जैसे अभी दिख रहे हैं आपको, जिस दिन से हमला हुआ उस दिन से हम सोते ही नहीं, रात भर जगते हैं, सुबह 5 बजे किसी दिन 6 बजे ऐसे सोते हैं। भेड़िया, हम किसी हिंदी फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन एक ऐसी खौफनाक सच्चाई की बात कर रहे हैं जिसे यूपी के बहराइच के आसपास के गांव वाले बड़े करीब से महसूस कर रहे हैं। आदमखोर भेड़िये कई मासूम बच्चों की जान ले चुके हैं। ऐसे ही कुछ गांवों में आज की रात टीम स्विच बिता रही है भेड़ियों के गढ़ में। तो गांव में जो पहली जगह हम रुके ऑलरेडी काफी स्पूकी सा माहौल था, मोस्टली अंधेरा था, कहीं कहीं डिम येलो लाइट्स, ज्यादातर लोग सो चुके थे लेकिन गांव की जो मेल पॉपुलेशन थी वो मोस्टली जग रही थी। बातें शुरू हुई इस दावे के साथ हुई कि एक रात पहले वहां पर भेड़िया दिखा था। तो यहां पर कब दिखा आपको यहां पर? आज तो सुबह तो काफी यहां लाइट जहां लग रही है मैम सुबह देखा गया था यहां पे, और आज के लगभग 4-5 दिन पहले तो इस जो सामने घर बना हुआ एक छप्पर है मैम इस घर में घुस गया था अंदर, उनके बांस की थोड़ी लगी हुई तटिया टाइप में उसको जहाँ मैम टॉर्च का फोकस जा रहा है बट जस्ट वहीं पे अंदर घुस गया था, जो उनके बांस का है फर्चा टाइप में लगा रखते हैं जो यहाँ पे हिंदी भाषा में कुछ टट्टा बोला जाता है, वो फान करके फिर चला गया था। जेंट्स तो कोई था नहीं उनके घर पे, लेडीज थी तो वो लाठी लेके दौड़ी, फिर भी करीब में 10-12 बार उन्होंने डांटा वार किया लेकिन वो भागा नहीं। बहुत देर बाद उन्होंने हमें फ़ोन किया, जब हम लोग यहाँ से गए, हम लोग उस गाँव से घूम के आए थे उसके बाद में हो गया, जब हम लोग गए तब वो इधर गन्ने में आ गया। हाँ। बाकी तो आज देखा गया है जस्ट पास में ही, आज जस्ट मैम पास में देखा गया जहाँ ये टॉर्च लग दी हमारी। दो बचे हैं ना पकड़ने? हाँ चार तो बता रहे हैं देवपो साहब और जो हमारे वन विभाग अधिकारी वो तो बता रहे हैं 4 पकड़े गए हैं, 2 बचे हुए हैं अब, लेकिन गिनती तो मैम कही ना कि कितनी हैं अभी। मतलब आपको लग रहा है उससे ज़्यादा भी हो सकता है? हाँ मैम ये तो कन्फर्म है नहीं कि अभी 2 ही बचे हैं, हो सकता है कि 2 से 4 भी हो सकते हैं मैम। तो इतना बना हुआ कि बच्चे मान लीजिए मेरा ही बच्चा है तो बाहर घूम रहा है, वैसे तो सभी बच्चों का डर है, दिक्कत तो हो ही जाती है। तो उसको भी वो उसका बहुत कम उम्र है लेकिन उसको भी पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? वो भी मैम सुबह से शाम तक इतना ही कहता है कि एक कोई भी हमारे दरवाजे पे आता है वो यही कहता है कि एक भेड़िया आया है उसका नाम चंपू है। अच्छा। और कम से कम अपने घर में रहिए सोते रहिए, है तो उम्र में कम लेकिन सबको यही समझाता है वो भी। तो मतलब बच्चा जो है वो समझा रहा है लोगों को कि सब सतर्क रहें, अलर्ट रहें और भेड़िया मतलब कभी भी हमला कर सकता है इस तरह से। बहुत कंफ्यूजन भी हो रहा है कि कुत्तों को भी लोग बोल दे रहे हैं, सियार को भी लोग बोल दे रहे हैं, चाहे भेड़िया हो ना हो उसको भेड़िया का नाम दे दे रहे हैं। अब इस दहशत में मैम ये बात है कि अगर रात का दिन में तो कोई बात नहीं है, रात के समय में ऐसा होता है कि अगर कोई बिल्ली या कुत्ते भी कोई देख लेता है मैम तो वो यही कहता है कि भेड़िया आ गया है। कुछ अफवाह भी उड़ती हैं गलत और कुछ ऐसा है कि हाँ कुछ सच भी है मैम। अब जैसे कंफर्म तो बताया नहीं जा सकता, हम लोग की ड्यूटी है चलने की तो हम लोग तो जहाँ से फ़ोन आता है वहीं चले जाते हैं तुरंत जस्ट। अब वो एक कहानी सुनी थी बचपन में कि भेड़िया आया लेकिन फिर वो होता नहीं है और फिर सच में आ जाता है, तो बस उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ ना हो। तो अभी ये कॉन्वर्सेशन चल रही थी तभी बीच में वहाँ खड़े लोगों को अचानक वहाँ से कुछ मीटर दूर किसी जानवर की आंख चमकती दिखी। अरे मैम कुछ डाउट है, चमक रही है, देखो क्या है।
मैम यहाँ पर आइए, कुछ डाउट है मैम। आगे 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 लगा लगा ये सामने। पैनिक तो ऐसे क्रिएट हुआ कि जैसे वाकई भेड़िया आ गया, लेकिन जब हमने पूछा तो इस बात की गारंटी किसी को नहीं थी। तो आपको क्या, आपको लग रहा है इस टाइम वहाँ पर है सामने भेड़िया? मैम देख तो रहा है, जैसे 100% तो बता नहीं सकते 100%, लेकिन ये डाउट लग रहा है कुछ कि हाँ कोई ऐसा जानवर है जो खतरनाक है, जो ताश लगाने पे या चिल्लाने पे भी भाग नहीं रहा है। अगर जैसे कुत्ता या शियार होता तो भाग जाता। हाँ, डाउट ऐसा है कि हाँ कोई खतरनाक ही जानवर है मैम। तो जैसे अगर आप यहाँ से अभी आपको लग रहा है कि वहाँ कुछ है, तो सबसे पहला एक्शन ऐसे आमतौर पर क्या करते हैं फिर आप? मैम एक्शन ये लेते हैं कि हमारे जो टीम लगाई गई है हमारे वहाँ गश्त पे ड्यूटी में जो आदमी है उनको 5-6 आदमी की टीम बनवा के मैम गन्ने में ऐसे एक साइज से पूरा टहल लेते हैं, जो भी जानवर होता है मैम कन्फर्म हो जाता है, और बाकी वन विभाग की टीम को जानकारी दे देते हैं, उनको भी बुला देते हैं एक साइज से जाल बंधवा के। और फिर मैम हाँका, एक हमारे वहाँ कहा जाता है कि जो हाँका लगवा दीजिए जो एक साइज में फंस जाएगा जानवर। तो ये थी पहली कहानी। कुछ और आगे बढ़े तो एक बूढ़ी अम्मा के घर पहुंचे। इन्होंने दावा किया कि 14 अगस्त को इन पर भेड़िये ने हमला कर दिया था। अम्मा, आपके ऊपर हमला किया था भेड़िये ने? हाँ, हमला रहते हैं लेटर। हाँ, तो कैसे क्या हुआ था सब बताइए एक बार। लेटर हाँ जैसे सोए लगे तैसे आई गवा, बस पकड़ी समका, बस चिल्लाए कहाँ उठ पड़े, जब चिल्लाए उठन तब सब दौड़ लेन बस भाग गवा। तो आप जब चिल्लाई तो वो भाग गया छोड़ करके? तब छोड़ कर भाग गवा। तो कहाँ पर, कहाँ पर हमला किया था? हमला ये है नट्टी पर है, सब निशान लगे हैं। अच्छा, तो क्या मतलब बहुत दर्द हुआ कैसे? हाँ, कैसे फिर आप भागी कैसे उससे छुड़ा कर? वो हम उठन जैसे उठन तैसे झटका लाग तैसे वो भाग गवा, तो हम जब चिल्लाए तैसे सब लोग दौड़ लिये लाठी डंडा लेकर, जब रख दें बस भगा। ये किस दिन की बात है? और दिन रहा मंगल और तारीख रहा 14 अगस्त। हाँ। अच्छा, और फिर घर में बाकी सब ने क्या किया? बाकी सब दिन लोग रहे कर, लड़का रहा एक बिटिया तो सब सोवत रहा। तो कहाँ पर सो रही थी आप, कमरे में थी या बाहर? हाँ, थी? कमरे में है, लड़का कमरे में है, कमरे में ना रहा तब यह तीन रहा यहाँ बाहर। हाँ, बहरे हम बहरे हम रहा बहरे वो रहा। तो जब यहाँ पर पहले से ऐसे हमले हो रहे हैं तो आप बाहर क्यों यहाँ पर थी? तो वो पहली बार आए भवा रहे। हाँ, वो पहली बार भवा तक, तब से फिर नारवाया हुआ रहा। पता नहीं ये वाकई भेड़िए का हमला था जो अब ऑलमोस्ट ठीक हो गया है या किसी और छोटे मोटे जानवर का, लेकिन जिस पर बीती उसने बताया तो हमने मान लिया कि यही सच होगा। वो उसको आपने जो देखा तो कितना बड़ा रहा? अच्छा। हाँ, क्या कुछ रंग वंग कुछ दिखा? रंग बत्ती रहा नहीं, अंधेर रहा, तो मैं जानना है पर कौन रंग कर रहा। हाँ, लेकिन वो यू देखा कि अतना है, जब वो भाग तो अतना हमका देखान और देखा कि हम ये पक्का कैसे होता है कि भेड़िया ही था, कोई और जानवर नहीं, कुत्ता नहीं था या नहीं? कुत्ता उत्तर तो ना है, आए भेड़िए। हाँ, कुत्ता ना ना है। तो कैसे आपको पता कि भेड़िया ही रहा? अब कुत्ता जैसा छुआ तो हुआ था और वो अतना रहा है डबल रहा है और भगा तब देखा, और जब उर्जी आवा पार नारा आवा तब देखा, तब सरपिंड वो मोट मोट बड़ा भारी कट्ठा खड़ा रहा है तिरिया, तब फिर चिल्लाने तब फिर सब दौड़िए लाठी डंडा ले ले तब फिर भाग गए वो। ये परिवार एक हमले से डरा हुआ है तो अब अपने बचाव के लिए इन्होंने भैंस का बच्चा बांधा हुआ है ताकि भेड़िया आए तो उस पर हमला करे ना कि इंसान पर। बछड़ा है, पड़िया है, पड़िया है। हाँ, भैंस का। अच्छा, भैंस का बच्चा। हाँ, है। हाँ, भैंस तो ये यहाँ पे आपने क्यों बांधा हुआ है? यहाँ ये हमारे बांधे थे कि कोनो हमला ना हो जाए, ठीक है मैं देते बांधे। तो आपको लगता है कि अगर आए तो इस पर? हाँ, हो जाएगा, आप लोग बच जाएंगे। हाँ, तो उसके लिए इसको बांधा हुआ है। हाँ, मारे बांध लिए थे कि अब नानी है और हम सोए जाए और कहो आ जाए तो यह पर हमला कर दे। हाँ, तो मारे बांध लिए थे। हाँ, तो आपको लगता है कि इंसानों को छोड़ के फिर वो यहाँ इसको? हाँ, इस पर हमला कर देगा। हाँ, आप लोग को छोड़ देगा? हाँ, कि अब द्वारा रहा अब हम कहूँ सोए जाए तो यह पर हमला कर दिया हम का सब नाट हमारे सबके पर यहाँ पावा। हाँ, तो ये एक तरह से इंसानों ने अपने बचाव के लिए यहाँ पर एक और जानवर को बांध दिया है। एक बात जिसको देखकर डर भी लगा और अफसोस भी हुआ कि
इनके घर में दरवाजे नहीं थे कि दरवाजा बंद करके परिवार अंदर सो जाता। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी भी हार्डली रहती है यहाँ पर, तो बाहर खुले में सोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। अच्छा, ये दरवाजे तो हैं नहीं आपके कमरे में इधर? बूढ़ो रहा हमरे तो हैरान है, साल खान तो खत्म हो गए, अब है यह साल है मैं तो पैसा कौड़ी रहा तो उनके महा जोड़ी गांठ कहाँ लगावा मरने धनी में है, तो वह से नहीं ना कुछ कह पावा। अब बात वही हो जाती है कि इंसान अपनी सुरक्षा करे भी तो कैसे करे, अगर घर में दरवाजे ही नहीं हैं और अगर भेड़िया का जो इतना खौफ है, जब दरवाजे ही नहीं होंगे तो कैसे बंद करके इंसान अंदर रहेगा, और ऐसे में हमले कभी भी हो सकते हैं। और चाहे आंगनम पहुड़ी सब एक कोई मेयर है चाह पर तो कहाँ आ रहे हैं। एक ही बात हो गई, आप चाहे अंदर रहें बाहर रहें, जब जब दरवाजा नहीं है नहीं है तो चाहे द्वारे पहुड़ ही और चाहे आंगनम पहुड़ी चाहे घर में पहुड़ी, जब आड़ ना आए तो कहाँ पहुड़ रही। और ऐसे कई घर हैं जहाँ हमले इसलिए ही हुए हैं क्योंकि दरवाजे ही नहीं है घरों में कि लोग घर बंद करके अंदर सो जाएं। आसपास के और लोगों से बात हुई, गांव के मर्दों की आजकल यही ड्यूटी है कि रात रात भर लाठी डंडे के साथ अपने अपने घर की पहरेदारी करें। क्या भेड़िया बहुत ज्यादा इधर? हाँ बहुत ज्यादा है, रोज कोने कोने दिन आ जाता है, परसों आई गए रहे, रात में डर लागत है, सावन आ जाता है, रात में बैठ रहा जाता है। तो रात में सोते नहीं है? कितने बजे सोते हैं रात? रात में वही कहूँ सवेरे पछलाहरा सोई थी बस। तो रात भर क्या करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर देखते रहते हैं? टहरा करी थे इसे बैठन तो रहा छत पर। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे पतोह है, लड़का है, चाहे साहब। तो आप देखते हैं कि वो लोग अंदर सुरक्षित रहें, आप बाहर? हाँ डालते। तो क्या अगर आपके सामने आ जाएगा तो किस तरह से आप क्या कर पाएंगे? अरे जागर रहे तो लाठी डंडा लेकर उठा जाते हैं उनका। हाँ तो सोते कब हैं आप? सोते हुआ है सुबह 3-4 बजे। उसके 3-4 बजे के बाद से लगता है अब खौफ नहीं? और रात में आ जाता कोने कोने दिन, नर्सर आ जाए गेरा। किस तरह से आपको अपने को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करते हैं? जी रात भर ऐसे ही जगते हैं जैसे अभी दिख रहे हैं आपको। जिस दिन से हमला हुआ उस दिन से हम सोते ही नहीं, रात भर जगते हैं, सुबह 5 बजे किसी दिन 6 बजे ऐसे सोते हैं। एक दिन सो गए थे तो वापस दूसरे दिन 4 बजे एक टाइम पे आ गया था, तभी ये लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी, लाइट भी नहीं आती थी, अभी तो फिलहाल के लिए दे रहे हैं। तो इसके लिए रात भर सोते नहीं, दिखता है तो शोर मचाते हैं तो भाग जाता है, और एक बार खाली उसको टार्च जला के देखेंगे दोबारा दिखाई नहीं देता, इतना फास्ट भागता है वो, ऐसा है। इसके लिए रात भर हम तो ये जो आप लोग बोल रहे हैं कि दिखता है और भागता है, ये आपको लगता है ये वही भेड़िए हैं जिनकी तलाश चल रही है? दो भेड़िए जी जो ये पकड़े गए हैं ये वो भेड़िए नहीं है, वो दूसरे हैं, वो हमने 3 बार देख चुके हैं उसे। जिस दिन पहली बार आया था 2 तारीख को हमने देखा था, वो हाईवे पे निकला था तो इसी साइड पे आया था, उसके बाद दिखाई नहीं दिया। उसके बाद ये 14 तारीख को यहाँ पे वो हमारी बड़ी दादी हैं उनके ऊपर हमला किया था, तभी से इतनी ज़्यादा शोर मचाया गया, मतलब कि यहाँ भेड़िया आए हैं ये है सब दिख रहा है। जो उसमें कटघरे में पकड़े गए हैं वो हमको नहीं लगता कि वो हैं, वो दूसरे भेड़िए हैं सब। अच्छा, तो कैसे पहचान होगी कि वही भेड़िया है, किस तरह पहचान? वो बहुत बड़ा और तगड़ा रहता है, पीछे का हल्का है और आगे का जो वजन साइड का है, उसका मुंह एकदम काला और ज़्यादा बड़ा रहता है। ये जो दिख रहा है उसमें कटघरे में वो नहीं लग रहा है मेरे को। अच्छा। हमने अपने आँखों से नज़दीक से देखा था, इतना दूर पे जैसा हमारा घर इतने ही दूर से दिखाई दिया था हमको, तभी शोर मचाए थे। तो वो हम वहाँ से गाड़ी से आके यहाँ नहीं पहुँचे थे, वो हमारे से पहले ही यहाँ से क्रॉस कर गया था रोड, यहीं पर इसी के अंदर। हाँ यहीं वो रोड से क्रॉस कर गया था ये साइड में। तो उसके बाद वो कुछ हमला बिमला हुआ नहीं, तो तभी ये सब आदमी संतुष्ट हो गया कि हाँ अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। और भी कई तरह की बात हो रही कि लंगड़ा है या कुछ इस तरह का, ये इस बारे में कुछ जानते हैं? नहीं लंगड़े का तो नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत फास्ट चल रहा था, लंगड़ा होता तो इतना तेज चल नहीं पाता। और हम वहाँ बाइक से आए, मोटरसाइकिल से आ रहे थे, हम मोटरसाइकिल बाद में पहुँचे, वो पहले ही यहाँ से क्रॉस कर गया रोड हमको। अच्छा, तो आपको लगता है कि इससे काम चल जाएगा अगर आपके सामने कभी आया तो? काम तो चल जाएगा, अभी शोर मचाएंगे तो भाग लेता है बोलते हैं सब। दो बार देखा है तो हल्ला किए हैं हम लोग तो वो भाग जाता है, उसको टार्च का उजेर पसंद नहीं शायद,
तो टार्च का उजर देखेगा कि तुरंत गायब हो जाता है। आगे बढ़ते हुए करीब 12:15 बजे रात को जब गांव के इस इलाके में पहुंचे तो बड़ा केओटिक माहौल हो रखा था। कई लोग इकट्ठा थे, गांव वाले शोर शराबा मचा रहे थे। पूछने पर पता चला कि यहां कुछ 15 मिनट पहले एक भेड़िया आया था। 12:02 पे हम छत से उतरे हैं, नीचे देखा जानवर खड़ा था, हम सांड खेद रहे थे। मतलब हम लोग के आने से जस्ट अभी हाँ 12:02 से हम छत से उतरे हैं, सांड यहाँ पे खड़ा हुआ था, उसको हम खेदने गए, यहाँ इनके दरवाजे से खेदे। हमने सोचा सांड को इधर हाँक दे, तब तक देखे यहाँ पे जानवर खड़ा था, भेड़िया था, कोई ना कुत्ता था ना सियार था। वो यहाँ से हम खेत के उस हैरो तक लेकर के गए हैं। कैसे पक्का पता है? कैसे पक्का? एस्पेक्ट है, 100% है। तो अभी यहाँ पर हो सकता है? हाँ है, जस्ट पीछे अब इधर कहाँ निकल गई, 15-20 मिनट अभी गन्ना है, जस्ट पीछे से थोड़ा गन्ना है। मतलब कि हमारे पहुँचने से जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ से भेड़िया गुजरा है, ऐसा ये लोग दावा कर रहे हैं गाँव वाले। और तभी ये पूरी भीड़ अभी छत पर इकट्ठा है, सारे लोग जग रहे हैं इस वक्त क्योंकि भेड़िया यहाँ पर से गुजरा है, ऐसा ये लोग दावा कर रहे हैं। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर ऐसा है तो ये बहुत ही खौफनाक है और हम लोग को भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग सेफ रहिए, अंदर रहिए, बच्चों को लेकर के हमें लगता है कि सांड ना हो तो नीचे उतरे भी ना, लेकिन जब गाय के पास सांड खड़ा हुआ के तो हम सोचे इसको खेद दें बाहर। तब तक देखा, जब सांड सड़क पर लेके आए तब तक देखा यहाँ पे नांदा के पास में खड़ा था, वो उत्तर का मुख किए रहे, तो कान दोनों खड़े थे, वहाँ एक छोटा बच्चा है गोद में, वो नीचे नीचे नहीं रहते, रहते हैं ऊंचे ऊंचे पे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जीना अंदर से हम लोगों का जागते है। एक नहीं, केवल वन विभाग वालों की लापरवाही है, ये लोग हम लोग दावा करते हैं कि लापरवाही है, ना कोई अच्छे से पहरा है, ना कोई गोला दगता है। जब निकलेंगे तो गाड़ी लेकर रोड पे निकलेंगे, पीछे नहीं देख सकते हो क्या? फर्जी जनता का गुमराह कह रहे हैं लोग। कौन आ रहे है अभी? अभी गाड़ी गई है, इसे इसे बाद में निकला है जानवर, कुछ नहीं कर रही है, गाड़ी निकलने के बाद में जानवर निकला है। एक चाचा तो दावा कर रहे थे कि भेड़िए को देखने के लिए वो छत से कूद गए थे और उनकी हल्की सी चोट भी थी पैर पर जो उन्होंने दिखाई। आप छत पर से कूद गए? हाँ, छत पर से कूद के आए। हाँ नहीं, हाँ ये रूठे पर जा रहा, हाँ छत से देखा जाए। गाड़ी इनकी निकल चुकी है, ये वाली जो क्या क्या देखा आपने? भेड़िया भेड़िया, हाँ यही था, यही पर गया था। और आप लोग ने भी देखा अपनी आँख से? जी जी जी, ये अकेले खेल रहे थे तो ये लोग छत पे जब ये बोले तो तब लोग ये लोग जब बोले दादा क्या है तो हम कहन की भेड़ा है, तब लोग दौड़ दौड़ के छत से नीचे आए हैं देखने लगे जो छत पे थे। तो अगर भेड़िया एकदम से सामने आता है तो पहला एक्शन क्या होता है? पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आवाज देना चाहिए। टार्च हमारी ये आगे की जल नहीं रही थी, पीछे की ये साइड जल रही थी, लाइट थी नहीं यहाँ पे, लाइट गई 11:58 पे यहाँ से। और यहाँ पर एक बार भी ड्रोन भी नहीं उड़ाया गया है, हम लोगों कई बार कह चुके हैं, हमने देख। अच्छा ये तो आज की घटना है, कल भी हमने, जैसे ये सड़क है, सड़क के किनारे हमने स्वयं अपनी आंखों से वीडियो देखा, जबकि हम टीम के सदस्य भी हैं, हम टास्क फोर्स टीम में हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन तब भी कोई क्या बताऊं, अब कहने को कुछ है ही नहीं। हाँ ये है, हम जागरूक कर रहे हैं, जनता अगर भाग्यशाली होगी तो बच जाएगी, नहीं तो क्या, जो होना होगा वही होगा। आप लोग फिर किस तरह से, अगर अगर अचानक ऐसे आ गया, हमला किया, तो आप अपना बचाव कैसे? तो हमारे पास केवल एक लाठी, चार लोग हैं हम टीम में, सिर्फ चार लोग, PRD आ ही नहीं रहे हैं, चार लोग हैं, एक लाठी, मतलब दो लोग लाठी ले रहे हैं, दो लोग टार्च, टहल रहे हैं, क्या और क्या कर सकते हैं हम लोग। तो उस वक्त तो हम भी डर गए कि अगर अभी दिखा है तो मे बी आस पास ही होगा, लेकिन धीरे धीरे एक बात ये समझ आई कि अब ये गाँव वालों का भोलापन है या खौफ है कि हर तीसरी जगह भेड़िया दिख रहा है, जिसकी इतनी जोर शोर से तलाश चल रही है। 6 भेड़िए ड्रोन कैमराज में कैप्चर हुए हैं, 4 पकड़े गए, उस हिसाब से 2 ही बचे हैं। तो ये हर जगह कैसे दिख जा रहे हैं? या तो भेड़िए इससे ज्यादा हैं इलाके में, या वही बात है कि दूसरे जानवरों को भेड़िया बोल दिया जा रहा है। देर रात गाँव में ही मौजूद एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेस्ट ऑफिशियल से भी बात हुई,
विधायक जी से लेकर नोडल ऑफिसर तक सबने बताया कि कैसे दिन रात भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश हो रही है और सभी लोग एकदम अपने काम पर लगे हुए हैं। सर, तो यहाँ की जनता की सुरक्षा आपके हाथ में एक तरह से, तो जिस तरह से ये भेड़ियों का खौफ बढ़ रहा है, जो हमले बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बच्चों पर हमले हो रहे हैं, तो आपने अपनी तरफ से किस तरह के कदम उठाए हुए हैं सुरक्षा के? हम लोग पूरी रात इसी तरह जैसे बैठे हुए हैं, कहीं सूचना आती है या गाँव में कहीं निकलते हैं, कोई बाहर सोया हुआ है तो उसको अंदर कराते हैं। गाड़ियों पर साउंड लगे हुए हैं, जागते रहो, जागरूकता अभियान चलता है। जिनके घर में दरवाजे नहीं, उनके घर में दरवाजे लगवाए जा रहे हैं शासन की तरफ से। शासन अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। रात रात भर हम लोग चलते हैं। इसके अलावा भेड़िया से बचाव के अलावा रात में इसका उपाय नहीं है। जो दिन में सर्च अभियान है वो ये जंगल विभाग अपना करता ही है जी। तो ये सर्च अभियान अभी आपको क्या लगता है, कितने दिन तक आपकी बात होती होगी उनके ऑफिशियल से, कितना समय और लग सकता है, क्यों इतनी देर हो रही है वो जो दो आखिरी भेड़िए हैं उनको पकड़ने में? देर का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे नदी है, बड़े बड़े गन्नों के खेत हैं, धान लगा हुआ है, उनको छुपने के लिए आसान जगह मिल रही है। वन विभाग अपना काम कर रहा है, जल्दी जल्दी भेड़िए पकड़े जाएंगे, कोशिश यही है। ठीक है, तो जैसे जो ऑपरेशन चल रहा है अभी, आप उनके ऑफिशियल से आपकी बात हो रही है, शूटर वगैरह लगवाए गए हैं? हाँ, शूटर लगवाए गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं लगातार। 9 शूटर वन विभाग की तरफ से अधिकृत किए गए हैं, वो लगातार सर्च अभियान कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, या पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे, यही वन विभाग की भी कोशिश, यही हम लोगों की कोशिश है। जिन परिवारों के साथ इस तरह की चीज़ हुई है, जिनके बच्चे गए हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई है? हाँ, सारे लोगों से मुलाकात हुई, सबके घर गए हैं, हम ही लोग मौके पर तुरंत पहुँचे हैं, हम ही लोग मिट्टी कराए हैं। उनको जो भी सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना होता है वो 3 दिन के अंदर दिलाने की कोशिश की जा रही है, सबको मिल गया। और एक आखिरी चीज़ की, ये शायद अप्रैल से शुरू हो गए थे इस तरह के हमले, तो ये क्या आपको लग रहा है कि थोड़ी सी देर हुई है एक्शन लेने में या फिर नहीं? एक्शन लेने में कोई देर नहीं हुई है। पहले जब हुआ उसके कुछ ही दिन बाद एक भेड़िया पकड़ा गया, उसके बाद में 2 भेड़िया और पकड़े गए, लगभग 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, अभी 2 बचे हैं, कोशिश ये है कि जल्दी जल्द पकड़े जाए हमारे। नियंत्रण टीमें सुबह से लेकर शाम तक गश्त कर रही हैं, भोर में 5 बजे तक सारे ग्रामीण जगते हैं, प्रशासन सभी लोग लगे हुए, हम लोग लगे हुए हैं। और 2 दिन पहले भी यहाँ पे एक दहशत के रूप में फैली कि यहाँ भेड़िया यहाँ से गुजरा है, जिसके पदचिन्ह आज भी हम लोगों ने वन विभाग को भेजा था, वन विभाग की टीम तत्काल पहुँच भी गई थी। उसके पश्चात आज अभी फिर 12 बजे के लगभग ये शोर हुआ, गांव वालों ने बताया कि अभी फिर जानवर गुजरा है, उसके तहत हम लोग फिर पुनः सचेत हुए, वन विभाग की टीम को सूचित किया गया, वो भी आए हुए थे। लेकिन उनका ये कहना कि रात में रेस्क्यू हम नहीं कर सकते हैं, जो भी रेस्क्यू होगा वो दिन के समय में ही होगा पकड़े जाने के लिए। कुल मिलाकर बात ये समझ आई कि माहौल तो खौफ से भरा है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन गांव के लिए ये एक इवेंट बन गया है। जिन पर बीती है उनके लिए, उन परिवारों के लिए पूरी सिंपथी है, लेकिन बाकी गांव के लिए ये पहली बार ही है कि उन्हें मीडिया वगैरह का इतना अटेंशन मिल रहा है। लाइट्स, कैमरास, रिपोर्टर्स गांव के चक्कर लगा रहे हैं और ड्रोन उड़ते देखना भी एक एंटरटेनमेंट जैसा हो गया है। हम नहीं कह रहे कि मामला गंभीर नहीं है, हमने पीड़ित परिवारों से भी बात की है, वो भी एक वीडियो में आपको दिखाएंगे, लेकिन इन भेड़ियों की वजह से टीवी पर आने की या वायरल होने की जो एक ख्वाहिश है मन में, वो भी एक फैक्टर है कि हर तीसरे शख्स ने भेड़िए देखने की एक अलग कहानी बताई। तो ये सिर्फ एक रात की कहानी थी। इस तरह बहराइच के महसी के कुछ गांव को विजिट करके हम लेट नाइट लौट आए। मन में यही आया कि भेड़िया दिख जाता तो कैमरे में रिकॉर्ड करने का अलग एक्सपीरियंस होता, वीडियो को व्यूज़ और लाइक्स शायद कुछ ज़्यादा मिल जाते, लेकिन ये तो वक्त ही बताता कि अगर असल में सामने आता तो क्या कैमरे में रिकॉर्ड करते या कैमरा छोड़कर हम भी भागते अपनी जान बचाने को। क्योंकि जिन मासूमों की जान गई है उनकी तस्वीरें हमने देखी हैं और बस ऊपर वाले से प्रे किया है कि उस खौफनाक मंजर को किसी को भी ना झेलना पड़े।